सबसे पहले तो मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आज का संगम नहीं है, ये बहुत पुराना संगम है। मैं ब्रजभूमि से भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से आया हूं और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली यानी गुरुकुल उज्जैन भोले बाबा महाकाल की नगरी में, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन में हुई। मैं सुबह ब्रज में था, मथुरा की धरती से आया और मैं भगवान कृष्ण के जन्म स्थली से उनके गुरुकुल उज्जैन में पहुंचा हूं। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के श्री कृष्ण पथ बनाने की घोषणा की है और मैं कह सकता हूं कि श्री कृष्ण गमन पथ जो भगवान कृष्ण शिक्षा लेने के लिए मथुरा से आए थे, वो जिन जिन स्थानों पर होकर के आए थे, हमारे जो पौराणिक स्थान हैं, उनको विकसित करने का काम भी करेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा ये काम होगा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर के उनकी शिक्षा भूमि गुरुकुल तक ये गमन पथ बनेगा। इस अवसर पर मैं सभी मध्य प्रदेश के बहन और भाइयों को और राजस्थान प्रदेश के सभी बहन और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानी मोहन यादव जी और हमने मिलकर के ये लिया है और श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें बहुत सारे मंदिर होंगे, उसकी सूची आपको दी जाएगी, चाहे भरतपुर का बांके बिहारी मंदिर हो, द्वारकाधीश का मंदिर हो, ये जितने भी उनके आगमन के चिन्ह हैं उनको विकसित किया जाएगा। देखिए, ये मैं आपसे कहा कि ये संयोग है, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैंने माँ श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की पूजा की और शाम को मैंने बाबा महाकाल की मैंने पूजा की है। ये आप समझ सकते हैं कि
महाकाल लोक जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक बनाया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।